नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज है हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, प्रीतमपुरा के अंदर हैं और हम आज जो खड़े हुए हैं यहाँ पे नवनीत अग्निहोत्री जी की आर्ट गैलरी है। आइए देखते हैं नवनीत अग्निहोत्री जी की आर्ट गैलरी कैसी है। ये नवनीत जी की आर्ट गैलरी है और ये देखते ही ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात्कार बाबा शिरडी से यहीं पर विराजमान हो गए हैं। यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है और ऐसा लगता है जैसे शिरडी के साईं बाबा साक्षात्कार आज प्रीतमपुरा में नवनीत जी की आर्ट गैलरी के अंदर आ गए हैं। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं और एक विशेष मुलाकात के साथ मुलाकात करते हैं। नवनीत जी, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को चित्रकार नवनीत अग्निहोत्री की तरफ से जय साईं राम, बहुत बहुत शुक्रिया। नवनीत जी, ये जो आपने पेंटिंग्स बना रखी हैं, इसका शौक आपको कब और कहाँ से लगा? देखिए, कुछ चीज़ें जो होती हैं ये खासकर कला जो है वो कोई भी इंसान ना उसको सीख सकता है, वो एक कुदरती देन होती है। मेरे पिताजी वाईडी शर्मा जो हैं वो भी चित्रकार थे और ये जीन्स में ही मुझे मिली, एक तरह से मेरे खून में ही थी। और सीखने की अगर हम बात करें तो एक आर्ट को सिर्फ पॉलिश किया जाता है, ये इनबॉर्न ही मिलती है आपको। इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस और गुरु जो हैं ये उसको पॉलिश कर देते हैं, लेकिन कला कहते हैं कि चित्रकार जो कलाकार जो है वो किसी भी तरह को वो इनबॉर्न नहीं होता। तो आपने इसके लिए कोई कोर्सेज वगैरह करे थे या ये कहीं गुरु शिष्य वाले ही उसी तरीके से आपने लिए हैं? देखिए, बेसिकली तो ये मुझे जो कला है वो मेरे पिता की देन है, लेकिन मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से बीएफए किया, बैचलर इन फाइन आर्ट्स। मैंने दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड टेक्निकल एजुकेशन से 3 ईयर डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स किया। SCVT दिल्ली से मैंने कमर्शियल आर्ट का कोर्स किया, लेकिन जो मेन मेरे गुरु हैं मेरे पिता वाईडी शर्मा अग्निहोत्री जी, उन्हीं से मुझे ये मिली कला। और ये सब शिरडी साईं बाबा का ही वरदान मान लीजिए आप, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। आपकी पेंटिंगों में अधिकतर साईं बाबा के चित्र ज़्यादा नज़र आते हैं, ऐसा क्या और बाबा से आपका कब जुड़ना हुआ? देखिए, बाबा से जुड़ाव तो मेरा जब मैं पैदा हुआ तो मैंने अपने घर पे बाबा को देखा, क्योंकि मेरे पिता वाईडी शर्मा जी जो लगभग 65 साल से बाबा के संपर्क में थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है वैसे, और बट जब उनका देहांत हुआ तो 65 साल से लगभग वो बाबा के संपर्क में थे। मैंने जब होश संभाला तो बाबा को घर पे देखा। तो बाबा ही चित्रों में क्यों ज़्यादा नज़र आते हैं, उसका रीज़न ये कि मेरी शुरुआत ही बाबा से हुई और मेरा अंत भी बाबा से ही होगा, क्योंकि मैंने 1994 में शिरडी से वापस आते हुए ट्रेन के अंदर पहला चित्र बनाया था। तो ऐसे मेरी बाबा से शुरुआत हुई। बस ये भी एक चमत्कार ही है कि मैं बाबा की पेंटिंग ही क्यों बनाने लगा, जबकि मैं एक स्कूल में 2 बारी ड्राइंग के एग्ज़ाम में ही फेल हो चुका हूँ। मेरे पिता वाईडी शर्मा अग्निहोत्री जो चित्रकार थे, लेकिन मुझे कोई आर्ट में इंटरेस्ट नहीं था, मैं उनके पास भी नहीं बैठा करता था कि मुझे रंगों में से बदबू आती है, ये रंग जो है कपड़ों पे लग जाते हैं, उनके पास भी बैठा नहीं करता था मैं। और वही रंग आज मेरी ज़िंदगी बन चुके हैं, मेरी रूह में बस चुके हैं। तो ये सब बाबा का ही, शिरडी बाबा का ही कमाल है, उन्हीं का ही मिरेकल है। उनसे मेरी मदर ने साईं सच्चरित्र का पाठ किया था मेरे लिए कि इसको ज़िंदगी में कुछ रास्ता मिले, और शिरडी में जाके उन्होंने उस सच्चरित्र का भोग डाला और मुझे कहा द्वारका माई में कि बेटा मांग ले आज जो मांगना है। तो मैंने मांगा तो कुछ नहीं, पर इतना ही पूछा बाबा से कि बाबा मेरा भविष्य क्या होगा, क्योंकि मेरे को पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा शौक नहीं था। जैसा कि मैंने बताया आपको, मैंने बैचलर इन फाइन आर्ट्स किया और कोर्सेज़ किए, लेकिन उस समय मेरा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन शिरडी से प्रार्थना करने के बाद जब हम वापस आए ग्रुप में, तो रास्ते में मैंने एक बाबा का चित्र बनाया जिसको बहुत ही सराहना मिली और वो सराहना आज मुझे यहाँ तक ले आई है। तो इसका मतलब कहना चाहेंगे कि जितना भी क्रेडिट जाता है वो शिरडी के साईं बाबा को जाता है। बिल्कुल, उनके बगैर, उनकी ब्लेसिंग्स के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता था। जैसे कि साईं सच्चरित्र में भी लिखा है कि हारमोनियम और बांसुरी को क्या पता स्वर कहाँ पे हैं, ये तो बजाने वाला ही जानता। तो हमें जो चला रहा है वो बाबा ही हैं जो चला रहे हैं, और उन्हीं की शक्ति से ये काम हो रहा है। नवनीत जी, हिंदुस्तान में तो आपको साईं परिवार के सभी सदस्य जानते हैं, जो भी बाबा को जानते हैं, मैं कहूँगा कि बल्कि सभी सदस्य लोग जितने भी साईं भक्त हैं नवनीत अग्निहोत्री को जानते हैं, और वहाँ पे भी आपकी बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, और देश में ही नहीं विदेशों में भी आपका बाबा का जनप्रचार बहुत अच्छे स्तर पर करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कौन कौन सी कंट्रीज़ में आप बाबा का जनप्रचार कर चुके हैं। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे हाथ से बाबा के बने हुए चित्र लगभग 540 साईं मंदिरों में ऑल ओवर वर्ल्ड लगे हुए हैं,
और लगभग 4,500 से ज़्यादा मैं बाबा की पेंटिंग्स बना चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं और पेंटिंग्स नहीं बनाता, लेकिन स्पेशलाइजेशन जो है वो बाबा की पेंटिंग्स में ही है। आज मुझे लगभग 25वां साल है इस काम में, बाबा की पेंटिंग्स बनाने में ही। और आपने जैसे पूछा कि मैं कहाँ कहाँ जा चुका हूँ और कहाँ कहाँ बाबा का प्रचार के लिए जा चुका हूँ, देखिए पहली चीज़ तो बाबा को प्रचार की ज़रूरत नहीं है, हम सूरज को दिया नहीं दिखा सकते। हाँ ये ज़रूर है कि जो लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जगह जगह जाएँ, बाबा का गुणगान, उनके चित्र जो है उनको दिखाएँ। मैं लाइव पेंटिंग के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड जाता हूँ, और जिसके अंदर 4 बारी मैं USA जा चुका हूँ, 3 बारी कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, यूरोप, सिंगापुर, मलेशिया और अनगिनत ऐसे बहुत देश हैं। और अभी हाल ही में मेरा मार्च के अंदर टूर है जो मॉरिशियस और साउथ अफ्रीका का टूर है, और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। सबसे ज़रूरी ये होता है कि देश विदेश में आप जब जाके देखते हैं कि बाबा का गुणगान, बाबा का नाम, उनका प्रचार, उनके मंदिर, इतने खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं जगह जगह। USA के अंदर ऐसे मंदिर हैं कि मतलब आपको इंडिया में भी देखने में नहीं मिलेंगे, जैसे अटलांटा साईं मंदिर है या और शिकागो के अंदर बाबा का मंदिर है, बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो इंडिया से भी ज़्यादा, इंडिया में भी ऐसे मंदिर नहीं बने हुए। तो लेकिन वहाँ पर फैसिलिटी बहुत कम है, बाबा से रिलेटेड चीज़ें, ग्रंथ, किताबें या बाबा से रिलेटेड जो लिटरेचर है या और तस्वीरें हैं, मतलब उसकी जागृति के लिए मैं और भी लोगों से गुजारिश करूंगा जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और बाबा की ये चीज़ें उन लोगों तक पहुंचाएं। मेरा मेन मकसद होता है कि लोगों को वहाँ पे जाके जागरूक करना, बाबा का प्रचार करना नहीं, बाबा को प्रचार की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बाबा को प्रचार की ज़रूरत नहीं है। नवनीत जी, आपकी एक म्यूज़िक कंपनी भी है जी, तो एक आर्टिस्ट और एक म्यूज़िक कंपनी कुछ समझ में नहीं आता, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए बचपन से ही मुझे म्यूज़िक से बहुत लगाव रहा, क्योंकि मेरे पिता YD शर्मा म्यूज़िकल कॉन्फ्रेंस भी कराया करते थे जिसमें भीमसेन जोशी और बड़े बड़े कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया। इवन बप्पी लहरी जी को भी पहली बारी स्टेज जो है वो मेरे फादर ने भिलाई स्टील प्लांट में म्यूज़िकल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था। तो बचपन से ही म्यूज़िक से रिलेटेड जो चीज़ें मैं घर पर सुनता आ रहा था, और उसके बाद जब मैं आर्ट में आया तो म्यूज़िक के साथ ही मैं पेंटिंग बनाता था शुरू से। मैंने अनकॉन्शियसली नोटिस किया कि FM लगा हुआ है या अच्छा कोई सूदिंग म्यूज़िक लगा हुआ है या फास्ट म्यूज़िक लगा हुआ, तभी मेरे हाथ चल रहे हैं। तो ऐसे ही जुगलबंदी का भी जन्म हुआ जो मैं लाइव पेंटिंग स्टेज पे जाके म्यूज़िक के साथ करता हूँ। इसी से ही सब रिलेटेड है, म्यूज़िक एक आर्ट की एक फॉर्म है, ये भी एक कला है, और ये सीधी इसकी तारें जो हैं ईश्वर से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो चाहे वो पेंटिंग हो। बिना ईश्वर की मर्ज़ी के उसकी तार जुड़े आप कुछ नहीं कर सकते, ना गा सकते हैं ना बना सकते हैं। तो इसलिए म्यूज़िक कंपनी भी मैंने खोली अपने फादर के देहांत के बाद, उनकी याद में मैंने साईं ग्लोरी प्रोडक्शन हाउस जो है म्यूज़िक कंपनी खोली, जिसके अंदर 32 एल्बम्स आ चुकी हैं। और लास्ट ईयर एक बहुत ही खूबसूरत एल्बम मेरी लाइफ के ऊपर है, वो साईं भजन की, लेकिन वो पेंटिंग बेस्ड एल्बम है साईं नवरंग, जिसमें देश विदेश के 9 कलाकारों ने इकट्ठे एक ही एल्बम में गाया और उसकी लॉन्चिंग में परफॉर्म किया। और बहुत ही जल्द साईं नवरंग 2 भी आने वाला है, एल्बम आने वाली है, उसमें भी देश विदेश के बहुत ही खूबसूरत और जो भजन सम्राट माने जाते हैं सब लोग उसमें शिद्दत देने वाले हैं। ये आपने बताया साईं नवरंग, ये साईं नवरंग क्या है नवनीत जी, थोड़ा उसके बारे में भी हमें बताएं। देखिए रंग तो सारे ही साईं के हैं, लेकिन जो नवरंग का मतलब है, दो मतलब आप इसके ले सकते हैं, नया रंग, नव रंग मीन्स नव मतलब नया, और नव मतलब नवनीत, नवनीत, तो ये नव साई के और नव के रंग हैं। कहीं ऐसा लगता है कि 9 नंबर आपको ज़्यादा लकी तो नहीं है, जबकि नवरंग और 9 नंबर का कनेक्शन आप इसको बनाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 9 नंबर तो वैसे सभी के लिए लकी होता, मेरे जीवन में भी 9 का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और मैं तो लोगों से भी गुजारिश करूँगा, आप SM न्यूज़ के दर्शकों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा 9 नंबर आप अपने जीवन में लेके आएँ और कोशिश करें कि हर चीज़ 9 से रिलेटेड हो, तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आ जाएगा। जैसा कि अधिकतर समय आपका पेंटिंग्स में, लोगों से मुलाकात में और विदेश के टूरों में लगा रहता है, जैसे 6 महीने आप इंडिया में रहते हैं और 6 महीने लगभग बाहर निकल जाता है, तो इससे परिवार में या कुछ अनकंफर्टेबल तो नहीं होता है आपको? देखिए होता तो है, होम सिकनेस तो हमेशा ही होती है कि जब आप बाहर जाएं और पीछे परिवार में भी कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ता है। जैसे मैं अभी पीछे मलेशिया गया और वापस आया तो मेरी मदर हॉस्पिटल में ICU में एडमिट थी, तो कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैश कर
सकती हैं, लेकिन परिवार का, मित्रों का, सबका बहुत सहयोग रहता है, तो ऐसी कोई मुश्किलात वैसे ज़्यादा आती नहीं है, क्योंकि बाबा के काम के लिए जा रहे हैं। और बहुत सी ऐसे मज़ेदार किस्से भी होते हैं, जैसे अभी मेरा यूरोप मेरा टूर था, तो जिस दिन मैंने जाना था, मेरी 2 बजे की फ़्लाइट थी ऑस्ट्रिया की, और सुबह 12 बजे वीज़ा मुझे मिला। तो मतलब मुझे लगता है बाबा के चमत्कार ही बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा मज़ेदार एक किस्सा हुआ, उसको अब मैं चमत्कार ही मानूंगा, लाइव चमत्कार देखा गया। वो 25 मई को मेरे को यूरोप जाना था, ऑस्ट्रिया में मेरे प्रोग्राम थे, ऑस्ट्रिया जर्मनी और बहुत जगह मेरे प्रोग्राम्स थे, लेकिन 24 तारीख रात तक मेरा पासपोर्ट जो है वो ऑस्ट्रियन एम्बेसी में फंसा रहा। ऐसा नहीं है कि वीज़ा नहीं मिलता, क्योंकि मेरा वेल ट्रेवल्ड पासपोर्ट है, तो वीज़ा ना मिलना तो ये तो नामुमकिन था, लेकिन शायद वो टूरिस्ट सीज़न था, इस वजह से वो डिले होता गया। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे वहाँ पे यूरोप के, वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गई कि 26 को हमारा प्रोग्राम है, 25 को आपने आना, और 24 तारीख तक आपको वीज़ा ही नहीं मिला हुआ। तो मैंने बाबा की तरफ देखा, मैंने कहा बाबा आपके काम से ही जाना, तो जाना तो मैंने है ही है। मैंने अपनी पैकिंग की, मैं स्टूडियो आया, मैंने सारा सामान पैक किया, मैंने अपने एजेंट को फ़ोन किया कि उसने मुझसे पूछा कि यार टिकट चेंज करानी है, मैंने कहा नहीं मैं कल जा रहा हूँ। कहता कैसे जाओगे, आपको पास तो वीज़ा ही नहीं आया अभी तक, और कल 9 बजे एम्बेसी खुलेगी। मैंने कहा मैं एम्बेसी से डायरेक्ट जाऊँगा, वहाँ से वीज़ा लेके फिर मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। कहता आप तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि, मैंने कहा कॉन्फिडेंस मुझे नहीं है, मुझे मेरे को अपने बाबा पर कॉन्फिडेंस है कि जब उन्होंने बुलाया उनके काम से जा रहा हूँ तो काम होगा ही होगा। और अब सच मानिए वहाँ पर पहुँचा मैं एम्बेसी, तो मेरे को बोला गया कि वहाँ पे एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि VFX के ज़रिए वीज़े मिलते हैं, तो एम्बेसी कभी भी इसके अंदर डायरेक्ट डील नहीं करती। मैंने कहा मेरा पासपोर्ट तो वहीं है। सर मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पे एक एप्लीकेशन दी, और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि 12 बजे एप्लीकेशन अंदर जाएगी। मैंने कहा 12 बजे तक तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, क्योंकि 2 बजे की तो मेरी फ़्लाइट है। मैंने एम्बेसी में फ़ोन किया, वो कहते सर अभी आपका वीज़ा प्रोसेस में है, वी कांट हेल्प इट। मैंने दोबारा फ़ोन किया उनको, मैंने कहा अगर आप मुझे वीज़ा नहीं दे सकते मेरा पासपोर्ट वापस कर दीजिए। तो कहते अच्छा ठीक है हम देखते हैं। वो एप्लीकेशन अंदर मूव कर गई और 5 मिनट बाद मुझे अंदर बुलाया गया, और जैसे ही मैं अंदर गया एम्बेसी में, मैं देखता हूँ कि शिरडी बाबा का इतना बड़ा ब्लैक एंड वाइट ना एक प्रिंट आउट जो है एम्बेसी के अंदर लगा हुआ है। वो देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि बाबा काम तो बन गया, क्योंकि आप पहले ही पहुँचे हुए हो यहाँ पे। एक सज्जन आए पासपोर्ट को सुखाते हुए, वो स्टैंप लगी हुई, कहते नवनीत जी आपका ये वीज़ा लग गया और फटाफट जाइए, आपकी फ़्लाइट का टाइम हो गया। मुझे कहते हैं नवनीत जी वेट वेट, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु विल गेट शेंगेन वीज़ा इन 10 मिनट्स। जो पहली बार ही हुआ कि ऐसे वीज़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी नहीं मिलता, लेकिन ये पता नहीं क्यों, ये सब बाबा का मिरेकल था। तो ऐसे अनगिनत से किस्से हैं जो होते हैं बाबा से रिलेटेड, अगर हम कहें कि हम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही दर्शकों को बोलूँगा, आप किसी भी ईश्वर को मानते हैं, चाहे वो आप बाबा की बात करें, आप शिव की बात करें, आप कृष्ण की बात करें, या किसी भी देवी देवता की बात करें, तो सबसे पहले भक्ति के अंदर आपको उसके आगे, ईश्वर के आगे आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको पूरा समर्पित होना पड़ेगा, और अपने विश्वास को अंत तक टूटने नहीं देना होगा, क्योंकि आखिरी सांस तक परीक्षा चलती है, और उसके बाद आपका रास्ते, आपके काम अपने आप खुल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर जिस मुकाम पे आपको पहुंचाना चाहता है पग पग पे वो आपकी परीक्षा लेता है कि आप उस जगह पे जाके डगमगा तो नहीं जाएंगे, अगर डगमगा जाएंगे तो आप पहले ही वापस मुड़ जाइए। तो आखिरी मूवमेंट तक आपकी परीक्षा चलेगी, अगर आप वो परीक्षा में पास हो जाते हैं, उस पे विश्वास रखते हैं, तो वो आपका रास्ता, आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खोल देता है। बिकॉज द चेयर इज एम्प्टी ऑलवेज एट द टॉप, जो टॉप की कुर्सी है वो हमेशा ही खाली रहती है, चाहे उस पर कोई बैठ जाए उसके ऊपर एक और कुर्सी लग जाती है, वो हमेशा टॉप की चेयर हमेशा खाली रहती है। इसलिए ईश्वर के आगे पूरा सरेंडर कर दीजिए अपने, उस पर विश्वास कीजिए, पर अपने विश्वास को कभी टूटने ना दीजिए, आप फिर देखिए आपके रास्ते खुलते जाएंगे। साई नवरंग अपने आप में जो है एक बहुत बड़े इवेंट भी करता है, जो देश के ही नहीं विदेशों के भी सिंगर्स को इनवाइट करता है और अपना एक मंच देता है, और नए नए सिंगरों को भी प्रतिभाएं जगाने के लिए बड़े सिंगरों के साथ उन छोटे सिंगरों को भी मौका देता है। तो अभी जो आपका एक बहुत रिसेंटली प्रोग्राम हुआ था, जिसपे आपने बहुत सारे साईं डिवोटीज़ को, साईं भक्तों को, देश विदेश के सभी साईं भक्तों को आपने बुलाने की कोशिश करी थी, और सेकंड जो आपका अभी कुछ नवनीत अग्निहोत्री का या नवरंग का जो है वो पार्ट टू भी कुछ ऐसा लॉन्च करने के मूड में हैं आप? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साईं नवरंग जो एल्बम है ये है क्या, ये पेंटिंग बेस्ड एक एल्बम होती है,
जो मेरी लाइफ के ऊपर, मेरे पेंटिंग करियर के ऊपर बेस्ड करके जो भजन लिखे जाते हैं, होते ये साईं भजन है, लेकिन वो मेरी भावना, जो मेरे दिल की भावना मैं बाबा के प्रति है, वो गायक गाते हैं, राइटर्स उनको लिखते हैं, कुछ मेरी फीलिंग्स होती हैं, कुछ वो राइटर्स लिखते हैं। तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई, मेरी पिछले 10 साल से म्यूज़िक कंपनी है साईं ग्लोरी प्रोडक्शन हाउस, जिसके अंदर मैंने अनगिनत ऐसे नाम है जिनकी एल्बम्स आ चुकी हैं यहाँ पे, जो आज की डेट में बहुत अदब से नाम लिए जाते हैं समाज में, जिन्होंने हमारे यहाँ से ही शुरुआत की। तो 1.5 साल से मैंने कोई एल्बम, म्यूज़िक एल्बम निकाली भी नहीं थी। मेरे एक मित्र हैं राणा गिल, जो कैनेडा रहते हैं, उन्होंने मेरे पे बेस्ड करके, पेंटिंग पे बेस्ड करके एक भजन बनाया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना था मेरे साथ, लेकिन किसी कारण से वो जा नहीं पाए थे, तो उन्होंने एक भजन रिकॉर्ड करके मुझे भेज दिया। जब से लगा साईं बनाने तेरी तस्वीर, बदल डाली बाबा तूने मेरी तकदीर, ऐसे करके एक बहुत खूबसूरत भजन था, बहुत फास्ट बीट्स पे। तो उन्होंने कहा ये भजन आप लाइव में चलाना, तो उस भजन को हमने लाइव ऑस्ट्रेलिया में, मैंने सिडनी के प्रोग्राम में, सिडनी मंदिर का उद्घाटन था, तो वहाँ पे मुझे आमंत्रित किया हुआ था लाइव पेंटिंग करने के लिए, तो वहाँ पे वो भजन को चलाया गया और वो बहुत पसंद किया गया। उसके बाद मैंने उसी भजन को मेरा, उसके बाद तुरंत मेरा यूके में, लंदन में मेरा टूर था, मेरे प्रोग्राम्स थे लाइव पेंटिंग के, वहाँ पे मैंने उसको चलाया, वो बहुत पसंद किया गया। वो इतना पसंद होने लग गया भजन की, लोगों को उसके शब्द याद होने लग गए कि अगर मैं फेसबुक पे या कहीं पे लाइव आ रहा हूँ तो लोग मेरे से डिमांड कर रहे हैं आप गा के सुना दो वो भजन। तो लास्ट ईयर मैंने एक और शुरुआत की, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि साईं नवरंग कैसे जन्म हुआ है इसका, इस एल्बम का। लास्ट ईयर मैंने एक और शुरुआत की, मेरा एक शो आता है फेसबुक पे, द नवनीत अग्निहोत्री शो, जिसके अंदर मैं साईं भक्तों के लिए जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं लाइव पेंटिंग करता हूँ यहीं पे अपने स्टूडियो में, जो दर्शक देखते हैं और कमेंट करते हैं, उस वीडियो को शेयर करते हैं, और उन्हीं में से किसी का लकी ड्रॉ निकलता है उस पेंटिंग का जो लाइव बन रही होती है। उसके 6 एपिसोड आ चुके हैं और लाखों व्यूअर्स आप लोग जुड़े हुए हैं उसमें साथ में। तो उसमें एक सिंगर हैं जिनका प्रिंट निकला, उनका सिंगर का नाम है मनी मनरो, तो वो प्रिंट लेने के लिए मेरे पास स्टूडियो आए, तो मुझे कहते हैं नवनीत भाई मैंने ना एक भजन थोड़ा सा तैयार किया हुआ, जैसे राणा जी ने तैयार किया ना पेंटिंग से रिलेटेड, तो मैं सुनाऊं आपको। तो उसने सुनाया मुझे कि साईं तस्वीर तेरी दिल से बनाई है, साईं तस्वीर नवनीत ने बनाई है, ऐसे करके बड़ा खूबसूरत से उसकी लिरिक्स थे। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा अच्छा कभी हम दोनों का लाइव शो होगा तो तुम परफॉर्म करना। तो उसी दौरान मेरा ना मलेशिया टूर था, और उसके अंदर सिंगर जो मेरे साथ जा रहे थे उनका नाम था जी रंजीत राजा, बहुत अमिनेंट नाम है, हमारे यहाँ से ही उन्होंने शुरुआत की है साईं भजन की एल्बम की, और अच्छा बड़ा नाम है आज उनका। तो वो मेरे साथ मलेशिया टूर में मेरे साथ जा रहे थे, सेलेक्ट हुए थे। तो रात, उसी रात को उनका फ़ोन आ गया मुझे कि नवनीत भाई मैंने प्रोग्राम के लिए एक भजन तैयार किया जो पेंटिंग से रिलेटेड है। वो चीज़ें जुड़ती गई साथ में, मैंने कहा सुनाओ। उन्होंने मुझे फ़ोन पे वो भजन सुनाया, तो मैंने कहा ये 1, 2 और 3 भजन हो गए पेंटिंग से रिलेटेड, क्यों ना एक एल्बम ही निकाल दी जाए जो कल को मेरे टूर में भी काम आए और इन सिंगर्स को भी बेनिफिट मिले कि इंटरनेशनली एक्सपोजर मिले। तो मैंने अनाउंस किया और देखते ही देखते वो 9 सिंगर्स जुड़ गए, जिसकी वॉइस ओवर जो है सुधीर दयालवी जी ने, जिन्होंने आदरणीय सुधीर दयालवी जी जिन्होंने बाबा का रोल किया, उन्होंने वॉइस ओवर की और उसको बहुत ग्रैंड स्केल पे लॉन्च किया गया श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, जहाँ पे सभी साईं भक्त मौजूद थे जो इस फील्ड में जाने माने नाम, और सारे साईं भक्त जो है मौजूद थे, और बहुत सक्सेसफुल रहा। और उसका अब सेकंड पार्ट आने जा रहा है, जिसके अंदर भजन गा रहे हैं मनर उदास जी, अनूप जलोटा जी, शैलेंद्र भारती जी, सुरेश वाडेकर जी, अनुपमा देशपांडे जी, हमसर हयात निज़ामी, आर के शर्मा गुरुजी, और 3 ऐसे नाम होंगे इसके अंदर जिसमें ऑडिशन हो रहा है 28 तारीख को उसका, जो 3 नाम ऐसे शामिल किए जाएंगे जो बिल्कुल अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में है, जो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, बाबा उनको रास्ता देंगे इस एल्बम के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, बस मेरी यही कामना जी। अभी जैसे आपने बताया कि इतने बड़े लेवल पे आप लोगों ने उस प्रोग्राम को परफॉर्म करवाया, तो अभी जो नया आप रिसेंटली साईं नवरंग आने वाला है वो कौन सी तारीख को है, कब है? देखिए उसकी प्लानिंग पहले तो 29 अप्रैल की थी उसकी एल्बम की लॉन्चिंग की, लेकिन अब हो सकता है कि थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए, बहुत जल्द अनाउंस किया जाएगा कि कब है, क्योंकि अभी एल्बम बनने में टाइम लगेगा। यानी कि आप अभी डेट नहीं बताएंगे, लेकिन आने वाला है रिसेंटली, बस बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट की जाएगी, क्योंकि उसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अभी एल्बम के लिए ऑडिशन है, ऑडिशन कंप्लीट होने के बाद जैसे ही वो एल्बम कंप्लीट होके आ जाएगी तो डेट अनाउंस कर दी जाएगी। वैसे 29 अप्रैल डेट हमने चूज की थी, लेकिन मेरे अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, जैसे मेरा मार्च में मेरा टूर आ गया और कुछ एक सिंगर जिनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, इस वजह से डेट को शायद
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है, जल्द आएगा। लेकिन हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो आपके दो बच्चे हैं और दोनों ही बेटे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मेरे बच्चे क्या बने? देखिए, एक पिता होने के नाते तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो वो भी आर्टिस्ट बने, और मेरी खुशकिस्मती होगी अगर किसी को जो आर्टिस्ट बने। छोटे वाले बेटे को बहुत इंटरेस्ट है आर्ट में, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस फील्ड में भी बच्चे को इंटरेस्ट हो, मैं कभी फोर्स नहीं करूँगा अपने बच्चों को कि वो आर्ट के अंदर जाएं या किस फील्ड में जाएं। जिस फील्ड में भी वो जाना चाहें, मैं ज़रूर साथ दूंगा। जैसे कि मेरे ही पिता ने, जब मैंने आर्ट में इंटरेस्ट दिखाया तो उन्होंने मेरा साथ दिया। तो क्योंकि हर पिता की ये इच्छा होती है कि मेरा बेटा मेरे से आगे निकले, क्योंकि एक यही रिश्ता है जो आपको आगे बढ़ता हुआ देख के खुश होता है। शायद कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो आपको आगे बढ़ता देख के खुश हो, लेकिन जो पिता हैं वो हमेशा चाहेंगे कि अपने बेटे के नाम से उनका नाम पहचाना जाए। मतलब फोर्सफुली अब अपने बच्चों के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, जहां उनको करना है वो अपने तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे फादर एक दिन मेरे पास आए, वाईडी शर्मा अग्निहोत्री, और मुझे कहते कि नवनीत आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते यार आज मुझे मेरे नाम से कोई नहीं पहचानता जब तक मैं ये नहीं बोलता मैं नवनीत अग्निहोत्री का मैं फादर बोल रहा हूँ। तो कहते अभी किसी का फ़ोन आया, मैंने कहा वाईडी शर्मा बोल रहा हूँ। कहते कौन? मैं कहा नवनीत का फादर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कहते ये चीज़ जो है इसने आज मुझे संपूर्ण कर दिया है कि तेरे नाम से आज मेरे नाम की पहचान बनी है, नहीं तो मेरा अपना नाम बहुत बड़ा मार्केट में दुनिया पहचानती है। लेकिन एक पिता की जो इच्छा होती है, मुझे ये समझ आई उस दिन की पिता की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि बेटे के नाम से बाप का नाम पहचाना जाए। ये सबसे बड़ा दिन होता है एक पिता के लिए। तो मैं भी यही चाहूँगा कि बेटे बच्चे जो हैं नाम रोशन करें, वो जिस भी फील्ड में जाएं बाबा उनको पूरा उनका साथ दें और मैं भी पूरा सहयोग दूंगा उनको। जी नवनीत जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि बाबा से जुड़ा कोई ऐसा अनुभव बताएं जिसको आप कभी ज़िंदगी में नहीं भुला सकते। ऐसे तो अनगिनत अनुभव हैं कि बाबा से जुड़ा हुआ सारे अनुभव जो हैं वो मैं क्या क्या बताऊँ आपको। एक जल्दी जल्दी मैं आपको एक अनुभव ऐसा बताता हूँ, वैसे तो अनगिनत अनुभव हैं, जैसे आपको अभी यूरोप टूर का बताया, यूएसए में बहुत ऐसे अनुभव हुए हैं, लेकिन एक मेरी ज़िंदगी जिसने बदल डाली एक अनुभव ने, मैंने एक पेंटिंग बनाई जो एशियाज लार्जेस्ट पेंटिंग मेंशन हुई, जिसमें लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेरा नाम आया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर, वो एशिया की सबसे बड़ी पेंटिंग मानी गई। वो कैसे हुआ, वो उसका थोड़ा सा आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ। ईयर 2000 के अंदर मुझे एक पेंटिंग बनाने का कंसाइनमेंट मिला और आदर्श नगर साईं बाबा मंदिर वालों ने मुझे बुलाया कि नवनीत एक बाबा की पेंटिंग बनानी है जैसी रोहिणी मंदिर में लगी है बड़ी, तो उससे बड़ी बनानी है, हमारे पास बहुत जगह। मैं गया और मैंने पूरी दीवार नाप ली। उन्होंने कहा, मैं कहा कितनी बड़ी बना दूँ? कहते पूरी बना दे। बहुत बड़ी वॉल थी और मैंने एज भी मेरी छोटी थी, इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने पूरी की पूरी दीवार नाप ली। वो मैं घर आया, फादर को बोला आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। कहते कितना बड़ा ऑर्डर मिला? मतलब मैंने कहा साइज़ में बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। कहते कितना बड़ा? मैंने कहा 14x9 feet ऑयल ऑन कैनवास जो बड़ी पेंटिंग बनानी है। वो कहते इतनी बड़ी पेंटिंग कहाँ बनाएंगे? ठीक, तो मैंने कहा हमारा इतना बड़ा ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, यहाँ पर बना लेंगे। तो कहते अच्छा ठीक है। हम रॉ मटेरियल लाए और हमने पूरा फ्रेम लटवाया और ठकवाया, प्लाई लगवाई, उसको कैनवस लगाया और उसको खड़ा कर दिया हमने दीवार पे। रॉ मटेरियल आया, अब मैं दोबारा ये वर्ड बोलूँगा कि दरवाजे से रॉ मटेरियल आया और हमने उसको फ्रेम बनवाया और खड़ा कर दिया बनाने के लिए। लगभग 3 महीने लगे उसको बनाने में और 3 स्टूल उसके ऊँचे नीचे बड़े स्टूल बनवाए गए और वो पेंटिंग लगभग तैयार हो गई। तो मुझे एक अंदर से आवाज़ उठती थी, एक अंतरात्मा से एक आवाज़ आती थी, ये पेंटिंग बना फिर देख क्या होगा। मैंने फादर को कहा कि कुछ होने वाला है, मेरे को अंदर से एक आवाज़ उठ रही है। कहते बेटे होने वाला नहीं, कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो चुकी है? कहते इसको ख़त्म कर अब इस पेंटिंग को, ये बहार कैसे निकलेगी? मैं तो यही सोच रहा हूँ पेंटिंग, क्योंकि 7 फुट का दरवाज़ा और 9 फुट पेंटिंग की हाइट है और 14 फुट चौड़ाई है, तो वो पेंटिंग तो बाहर ही नहीं निकल सकती थी। तो मैं तो बड़ा ही मायूस हो गया कि मैंने कहा आपने पहले नहीं सोची? कहते मेरे भी माइंड में नहीं आई, माइंड में भी नहीं आई ये चीज़ जो है। तो वो पेंटिंग बन गई, मंदिर वाले फ़ोन कर रहे हैं, अब मैं उनको फ़ोन करके कह रहा हूँ अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा क्योंकि हमें ये नहीं समझ आ रहा था उसको बाहर कैसे निकालें।
तो मैंने अपने कॉलेज के प्रोफेसर से बात की कि ऐसे ऐसे समस्या हो गई है। वो कहते बेटे हेनरी फोर्ड ने जब गाड़ी बनाई थी ना तो घर के अंदर बनाई थी, दरवाज़ा छोटा था, उसने दीवार तोड़वा के गाड़ी निकलवाई थी, तोड़वा दो चौखट और क्या कर सकते हो। तो हमने चौखट तोड़वाई, आगे छज्जा तोड़वाया, ग्रिल कटवाई, किसी तरीके से वो पेंटिंग नीचे बाहर निकाली गई। उस पेंटिंग का दो पीस के अंदर शीशा मिला, वो मंदिर में पेंटिंग लगनी थी और उसका भाई चमन लाल जी ने, भाई चमनजीत सिंह जो लाल जी हैं, उन्होंने उसका उद्घाटन करना था। तो मंदिर वाले कहते इसका एक ऐड भी आना चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस में एक ऐड आना चाहिए, तुम कॉलेज जाते हो तो वहाँ से इसका ऐड भी दे दो जी, बना के कि इसकी ओपनिंग सेरेमनी है, इतनी बड़ा साइज है पेंटिंग का और यहाँ लग रही है। तो मेरे फादर और मैं हम गए, वो कॉलेज आ गए और वहाँ से हम लोग ऐड देने चले गए। तो मेरे फादर, आजकल तो अब लैपटॉप हैं, सब चीज़ें उसके अंदर फीड हैं, पेंटिंग्स हैं, जो कुछ भी हम बनाते हैं। उस समय फाइल्स हुआ करती थी, फोल्डर ना बना के, बड़े खूबसूरत फोल्डर, तो वो साथ रखा हुआ उन्होंने। तो वो वहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस वालों को दिखा रहे थे मेरी पेंटिंग्स, तो वो कहते इसकी स्टोरी आनी चाहिए, बड़ा अच्छा कलाकार है, छोटी एज थी मेरी। अचानक एक सज्जन आए मेरे पे, उन्होंने कंधे पे मेरे ऐसे हाथ रखा, मुझे हिलाया, कह रहे नवनीत जी शायद मेरे नाम के साथ पहली बारी किसी ने जी लगाया। और मुझे कहते क्या ये फ़ोटो मिल जाएगी, एक जो पेंटिंग का उद्घाटन है उसकी एक फ़ोटो मिल जाएगी। मैंने कहा जी क्यों क्यों मिल जाएगी, आप जैसे ही कोई ले गया तो उसने बॉम्बे में किसी को बेच दी थी, उसके कैलेंडर बन गए थे, मैं तो ऐसे नहीं दे सकता। तो होता है ऐसा कि बहुत से जो कैलेंडर छापने वाले हैं, ये पायरेसी, मेरे पेंटिंग्स की पायरेसी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। लेकिन पहले तकलीफ होती थी, आज खुशी होती है देख के कि आपके बनाए हुए काम कितनी सराहना हो रही है, तो अब अच्छा भी लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बड़े स्तर पर कोई पायरेसी करता तो उसको रोका भी जाता है, लेकिन कोई अगर खुद प्रिंट निकाल लेता तो हम कुछ नहीं कहते। तो हाँ, मैं बात बता रहा था आपको वो इंडियन एक्सप्रेस की। तो फादर ने उनसे पूछा आपको क्यों चाहिए फ़ोटो, कहते मैं इसको इवेंट में डाल दूंगा। तो कहते अच्छा जी आप इवेंट में डाल दोगे, उन्होंने फोटो दे दी, कहते इस पे साइज और सब कुछ मेंशन कर दो आप। तो मेंशन कर दिया और अगले दिन हम ओपनिंग, उस दिन अगले दिन उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी। तो फादर कहते कि इंडियन एक्सप्रेस आई है, कहते बहुत अच्छा ऐड आ गया इसके अंदर, तो कहते वो देखो कि इवेंट में क्या डाला उन्होंने। तो हमने जब पेजेस पलटे तो वो पेंटिंग की पूरी फोटोग्राफ लगी हुई थी और ऊपर लिखा हुआ था इवेंट ऑफ द डे ओपनिंग ऑफ एशियाज लार्जेस्ट पेंटिंग ऑन बेस्ड ऑन शिरडी साईं बाबा सिंगल पीस ऑयल ऑन कैनवस। सिर्फ ये एशिया की सबसे बड़ी पेंटिंग है, उन्होंने पूरा सर्च करके इंडियन एक्सप्रेस वालों ने उन्होंने मेंशन कर दिया उसको कि वो एशिया का सबसे बड़ा चित्र है। तो उस समय तो उसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आई, लेकिन जब हम वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी में पहुँचे तो वहाँ पे वो भी वैन्स खड़ी हुई हैं, न्यूज़पेपर वालों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो मुझे लगा शायद ये चमन लाल जी को कवर करने के लिए सब लोग मीडिया वाले आए हैं, लेकिन वो उस चित्र को कवर करने आए थे जो नवनीत नहीं, वो बाबा ने जो चित्र बनवाया था। तो वो पेंटिंग एशियाज लार्जेस्ट पेंटिंग मैंशन की गई, उसके लिए मुझे दिल्ली गवर्नमेंट से राइजिंग स्टार का अवार्ड मिला, मुझे राष्ट्रपति ने लंच पे इन्वाइट किया, बहुत कुछ हुआ उस पेंटिंग के जरिए। मतलब हर रोज एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू आने लग गया, कभी मूवर्स एंड शेकर्स में मैं बैठा हूँ, कभी स्टार प्लस में बैठा हूँ, कभी सोनी पे, मतलब बहुत ही उसने पूरी लाइफ ही पलट दी। तो वो मुझे बात ध्यान आई कि बाबा कहते थे ये पेंटिंग बना फिर देख क्या होगा। अब फादर मेरे कहते हैं, एक बात अभी ख़त्म नहीं हुई सर, फादर कहते उस आदमी का थैंक्स करके आना चाहिए जिसने ये न्यूज़ दी आप। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो हम, मैं और मेरे फादर, हम इंडियन एक्सप्रेस पहुंच गए, कह रहे पहचान लेगा, नाम याद है। मैंने कहा हाँ जी नाम याद है सर, उस शक्ल का, उस नाम का कोई आदमी वहाँ पे काम ही नहीं करता जिसने वो न्यूज़ दी। और मैंने पूरा इंडियन एक्सप्रेस छान मारा, मैंने कहा ये न्यूज़ किसने दी थी, न्यूज़पेपर मेरे पास था। कहते आप कस्तूरबा गांधी रोड चले जाओ, हेड ऑफिस से बन के आई थी ये न्यूज़। तो उस समय मोटरसाइकिल होती थी सर, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और हम इंडियन उनके हेड ऑफिस पहुँच गए। तो वहाँ पे एक चश्मे वाले एक अंकल बैठे थे, साहब बैठे थे, उनसे मैंने जाके न्यूज़पेपर दिखाया और उनको मैंने बोला कि सर ये न्यूज़ किसने दी थी ये वाली। तो उन्होंने बड़े गौर से देखा, उन्होंने चश्मे ऐसे नीचे करके जैसे देखा और ऊपर डेट पड़ी कि 18 जून और वो 3 महीने बाद की बात है। उन्होंने उठा के ऐसे पेपर फेंका नीचे, कहते दे दी होगी किसी ने, 3600 फ्रीलांसर काम करते हैं जो न्यूज़ भेजते हैं, भेजी होगी किसी ने, न्यूज़ अच्छी लगी हमने डाल दी। अब मैं क्या बताऊँ किसने दी है सर, आज तक नहीं पता चला वो न्यूज़ किसने दी थी जिसने मेरी लाइफ ही पलट दी। तो ऐसे अनगिनत किस्से हैं, वो बाबा थे, वो बाबा का कोई मैसेंजर था जो ये काम कर गया, वो सारे दुनिया के लिए रास्ते खुल गए मेरे लिए और एक एमिनेंट आर्टिस्ट की लिस्ट में मेरी गिनती होने लग गई उस पेंटिंग के बाद। वो दूसरा मंदिर था, 540 मंदिर हैं जिनमें पेंटिंग्स लगी हुई हैं जी। तो इसको ये बोलेंगे करते हैं शिरडी वाले मेरा नाम हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, करते हो तुम बाबा नाम मेरा हो रहा है। मैं कुछ नहीं करने वाला सर, आज 25 साल हो गए मुझे पेंटिंग्स बनाते हुए, लेकिन आज भी मुझे ये नहीं पता कि ब्रश कैसे पकड़ा जाता है, करने और कराने वाला वही है।
आप सिर्फ माध्यम हैं और आप हमेशा माध्यम ही बने रहेंगे, तभी फल लगेंगे, झुके हुए वृक्षों पर ही फल लगते हैं। नवनीत जी, आपके फैंस आज हजारों में नहीं है, लाखों में हैं, पूरे देश में नहीं, हिंदुस्तान में, विदेश में, हर एक जगह पे आपके फैंस फॉलोवर्स बैठे हुए हैं, तो उनके लिए कोई एक मैसेज जो बाबा के लिए हो? मैं उन सबको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे काम को पसंद करते हैं, मुझे प्यार देते हैं, बहुत बहुत इसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। और आपने जैसे बोला कि फैंस के लिए कोई मैसेज, तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, साई को मानो, साई की मानो, साई की हुई बातों को फॉलो करो, आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे, दिखावा ना करो। आज देखो, मैं बाबा का काम करता हूँ, ना मैंने कोई अंगूठी पहनी है, ना कोई मैंने बाबा का लॉकेट पहना हुआ है, बाबा दिल में है। ज़्यादा साई राम करने से कोई बाबा की भक्ति नहीं हो जाती। और आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो मैंने महसूस किया अपने जीवन में, वो जो बहुत ज़्यादा साई राम करके दिखावा करते हैं, उनके अंदर भक्ति भाव दरअसल होता नहीं है। क्योंकि जब ईश्वर नहीं दिखता ना, तो उसके भक्त भी नहीं दिखते, जो दिखते हैं वो कलाकार होते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए और साई को मानो, साई की मानो, सिर्फ यही संदेश आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप थे हमारे साथ हिंदुस्तान के मशहूर आर्टिस्ट नवनीत अग्निहोत्री जी, और आप इनको फेसबुक, यूट्यूब सब जगह फॉलो कर सकते हैं। और बाबा के पीछे आप मेरी पेंटिंग देख रहे होंगे, जो बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, जो बाबा स्माइल दे रहे हैं और ब्लेसिंग दे रहे हैं। ऐसी खूब सारी पेंटिंग्स को जीतने के लिए, जीतना नहीं बोलेंगे, ये एक आप सिर्फ देखेंगे और ये पेंटिंग्स आपको मिल जाएगी। तो आप उनको फॉलो करते रहें, नवनीत अग्निहोत्री को। नवनीत जी, एसएम न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। एंड मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका और आपकी टीम का कि आपने आज मेरा इंटरव्यू लिया, मेरी जो बातें हैं वो अपने दर्शकों तक पहुँचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।